माय न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सब? मुझसे शेयर कीजिएगा। मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है ऐसे ही 9 o'clock के अराउंड टाइम हो रहा है। अभी मेरे घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, मतलब झाड़ू वगैरह एक बार लग चुकी है, बट अभी जो डस्टिंग वगैरह होनी है और भी जो अदर काम है वो होने हैं, वो करने हैं मुझे। और आज है संडे, तो संडे को तो वैसे भी लेट ही उठते हैं सारे लोग। और अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी खराब थी, तो थोड़ा आराम आराम से ही काम करती हूँ मैं। तो आज सोचा कि थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, सोचा पूरे घर की डस्टिंग कर दूँ, क्लीनिंग कर दूँ। तो बस अभी मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड सेट किया था, तो मुझे लगा यहाँ से मैं शूट करती हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। फिर मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर मैं इसके बाद में अपना वीडियो शूट करूंगी। क्या क्या करना है सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिएगा ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए काम स्टार्ट करती हूँ अपना। सो फ्रेंड, अभी मुझे यहाँ पे ये बेडशीट आज चेंज करनी है, तो इसको मैं चेंज करूंगी और धुलने के लिए लगाऊंगी। आज मशीन लगाने बहुत सारे कपड़े हैं वॉश करने के लिए, तो सारे कपड़े आज वॉश करूंगी और डस्टिंग क्लीनिंग तो है ही, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं इसके कवर वगैरह सारे निकालूंगी, पिलो वगैरह के, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और ये धुले नहीं है, तो बस इनको धुलना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इनको ही निकाल देती हूँ और मशीन लगा देती हूँ, मशीन ऑन कर दूंगी। मशीन अपना काम करती रहेगी, मैं अपना काम करूंगी। कवर चढ़ाने का एक ही फायदा हो गया है कि डस्ट ज्यादा नहीं चढ़ती है इनमें और ज्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ इसको टेबल को पोछना पड़ता है। इसमें भी मैंने कवर डाल रखा है तो ज्यादा कुछ क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, तो इतनी आसानी हो गई है तो इस तरीके से कवर डालने से। और इसके लिए भी मैं इसी टाइप का कवर मंगाऊंगी, तो वो सेट मैं अलग मंगाऊंगी। और क्लीनिंग डस्टिंग पूरे घर की हो गई है, बेड भी मैंने सेट कर दिया, चलिए आपको दिखाती हूँ चल के। सो फ्रेंड, देखिए बेड भी एकदम सेट हो गया है और बेडशीट कितनी प्यारी लग रही है। ये वही है जो मैंने अमेजोन से मंगाई हुई थी, तो बिछने के बाद में बहुत ही अच्छी लगती है। समर के लिए सबसे बेस्ट कलर है ये, तो क्योंकि लाइट कलर समर में ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, मेरा फोन भी टूट चुका है,
तो बहुत सारी चीजें मेरे से टूट गई हैं, तो कोई नहीं, फोन अभी सही होने के लिए पड़ा है। बस ये पुराना फोन है जिससे मैं काम चला रही हूँ, तो हो सकता है कि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही होगी ब्लॉग की, तो इग्नोर कीजिएगा कुछ दिनों के लिए, और जैसे ही फोन सही होके आ जाता है तो बस आप लोगों को अच्छे क्लियर और एकदम अच्छे से ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो सारे घर का काम हो गया है, बस जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के फिर आप लोग। सो फ्रेंड, मेरा नहाना वगैरह सब हो गया है और बस अभी मैंने जस्ट बनाया है पास्ता, तो बस अभी मैं पास्ता खाऊंगी क्योंकि आज पास्ता खाने का मन था। तो नहा के आने के बाद में बस मैंने प्रिपरेशन करी और फटाफट से पास्ता बनाया, तो चलिए लगा लेती हूँ अपना पास्ता और खा लेती हूँ बस, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया है और सिर्फ छाछ पी थी और मैंने थोड़ा सा ना नींबू पानी पिया था, दो बार मतलब लिक्विड ही लिया है अभी मैंने, तो अभी ऐसे कुछ खाया नहीं है, तो बस पास्ता खाऊंगी अभी मैं, और बस इसके बाद में फिर मैं और जो काम होंगे घर के तो फिर वो करूंगी, क्योंकि आफ्टरनून हो गया है, ऐसा कुछ काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे काम होते हैं क्योंकि आज संडे है, तो बेटू भी घर में ही है तो काम तो लगे ही रहेंगे, और बेटू को भी नहला दिया है, ये बैठे हुए हैं बेटू, तो बस चलिए चलते हैं, बेटी को भी पास्ता दे देती हूँ, मैं भी लगा लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ चल करके कितना डिलीशियस पास्ता बनाया है आज मैंने। सो फ्रेंड ये देखिए, मैंने अपना पास्ता ले लिया है, तो चलिए, और लाइट जा चुकी है तो बस इन्वर्टर चल रहा है और फैन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और बस और अपना पास्ता खाऊंगी, तो चलिए खा लेती हूँ पास्ता फिर आप लोगों से। इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, थोड़ा टाइम हो गया है और अभी मैंने चाय बनाई थी, तो चाय पक रही है, बस चाय पीऊंगी, इसके बाद मैं जाऊंगी टेरेस में, थोड़ा देर टहल के आती हूँ क्योंकि ज़्यादा ही शाम हो गई है, और बेटू गए हैं अपनी साइकिल चलाने के लिए, मैंने कहा जाके थोड़ी देर अपनी साइकिल वगैरह चला करके आओ, और आज लाइट ने बहुत परेशान किया है, बहुत देर बाद लाइट आई है आज हमारे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो एसी चल रही है यहाँ पे भी चल रही थी और रूम में भी चल रही थी, और रूम की एसी अभी हम लोगों ने लगवाई है, रिसेंटली लगवाई है, अभी कितने दिन हुए होंगे, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है हम लोगों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसके चलते हम लोगों को रूम में भी एसी लगवानी पड़ी, और ये वाली मैंने बंद कर दी है क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, शाम का टाइम हो गया है तो गेट मैं खोल दूंगी, और ये देखिए शाम हो चुका है और मैंने आज कपड़े वगैरह वॉश किए थे, तो मशीन लगाई हुई थी तो कपड़े भी आधे मैंने फैला दिए थे, आधे पड़े हुए हैं अभी वॉशिंग मशीन में, तो उनको मैं फैलाऊंगी जा करके, टेरेस में लेके जाऊंगी अभी मैं, और रूम की एसी भी चल रही है तो रूम का गेट बंद कर दे रही हूँ ताकि रूम थोड़ा सा ना ठंडा बना रहे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे एसी लगवाई है, यहाँ पे लगवाई है और पापा जी के रूम में भी लगवाई है, पापा जी की भी एसी सेम ही है, 1.5 टन की है, मतलब कि 1.5 टन की लगवाई है, 1.5 टन की ऊपर है, 1.5 टन की ही नीचे है, तो पापा जी के रूम में जब नीचे जाऊंगी तब उनका दिखाऊंगी जाके किस तरीके से, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे लगवाई है तो आराम से यहाँ पे ठंडी हवा लगती है, और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर है ना, तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसके चलते एसी लगवानी पड़ी, और नीड भी थी, लगाना भी था, तो लग चुकी है, तो चलिए पीती हूँ चाय फिर चलती हूँ ऊपर टेरेस में। तो फ्रेंड ये रखी हुई है मेरी चाय, और यहाँ पे मैंने थोड़े से चिप्स बनाए हुए थे, चाय के साथ में होता है ना, कभी कभी मन करता है इवनिंग के टाइम पे ऐसे कुछ चीज़ें खाने का, तो बस चाय पीऊंगी, आज थोड़ा सा मन कर गया चाय पीने का, तो इसलिए मैंने बना ली है, वैसे पीती नहीं हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ तो मन कर गया, सो के उठी हूँ ना अभी, एसी से तो मन कर रहा था पीने का, तो मैंने कहा चलो पी लेती हूँ, तो चलिए पीती हूँ चाय फिर मिलती हूँ। सो फ्रेंड आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं आ गई हूँ टेरेस में, और चिड़िया ने हमारे यहाँ घोंसला बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने ये चेयर रख दी थी टूटी फूटी सी, तो चेयर के पास में ना नीचे बनाया हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप लोगों को शायद दिख रहा हो, ये बनाया है उसने घोंसला, और इसमें ना उसके एग रखे हुए हैं छोटे छोटे से, तो 4 एग हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। सो फ्रेंड देखिए ये है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए 4 एग रखे हुए हैं उसके, चिड़िया के,
सो फ्रेंड मैंने वैसे ही चेयर रख दी है क्योंकि ऐसे ना इस तरीके से छेड़ दो ना तो चिड़िया है डर जाएंगी, और वो उसने अभी एग दे रखे हैं तो अभी बच्चे होंगे उसके छोटे छोटे से, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ही उसका सही से रख दिया है। हम लोग बहुत कम आते हैं ऊपर इसी वजह से कि जिससे वो डर ना जाए और एग को नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसके चलते ना बहुत कम ही आती हूँ मैं। तो आती हूँ नाइट टाइम पे आती हूँ तो पानी वगैरह अपने पेड़ों में डाल के और चली जाती हूँ, और इतने टाइम नहीं आती हूँ। आज आई हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आ गई थी टहलने के पर्पज़ से। तो बस अभी मैं अपने पेड़ों को पानी डालूंगी, थोड़ा सा और टाइम हो जाए तब पेड़ों को पानी दूंगी, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग मेरा अगर जरा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप मेरे न्यू ब्लॉग देख सकें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।